हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पे एक लाइक छोड़ दीजिएगा। और आज हम आपको देने जा रहे हैं टिप्स और ट्रिक, हेडशॉट कैसे अच्छे मारे। पहली बात तो ये आपके मन में आ रही होगी, कौन सी गन से मारे। और ये हेडशॉट मारने के लिए कोई भी गन मैटर करती ही नहीं है, आपको सिर्फ एक मतलब एक फार्मूला है, बस उसे अप्लाई अपने गेम में कर लोगे ना तो आपके हर एक शॉट हेडशॉट लगेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपके सीधे हेडशॉट लगेंगे, आपको ट्रेनिंग मोड दिया गया है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो देखो पीछे मेरा गेम प्ले चल रहा है, मैं ऑलवेज ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर, स्ट्रेट ड्रैग करना चाहिए आपको कभी भी, चाहे आपके पास कौन सी भी गन हो, आपको स्ट्रेट ड्रैग और रोटेशन ड्रैग का यूज़ करना है। स्ट्रेट ड्रैग, आप अब मेरे एम बटन को देख सकते, ड्रैग कर रहा हूँ मैं बार बार। आपको भी यही एक सिंपल फार्मूला है, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखे, सब मतलब बताते रहते हैं कि ऐसा करो, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ड्रैग करोगे ना आप तो फिर आपका गेम प्ले और भी अच्छा हो जाएगा। और आपको ट्रेनिंग मोड में जाके बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका एम अच्छा हो जाए। ट्रेनिंग मोड दिया ही इसलिए गया है हमको कि हम प्रैक्टिस कर पाए। और पहली बात कि आपको कौन से गन से मारना है, गन चाहे कोई भी हो आप सबसे हेडशॉट मार सकते हो। दूसरी बात, आपको सिंपल एक ड्रैग करते रहना है, जितने बार भी आप मारो आपको एक ड्रैग ज़रूर करना है, क्योंकि ड्रैग से हमारे हेडशॉट लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप सीधे बॉडी पर मारोगे, सामने वाले ने ड्रैग करके आपके हेडशॉट मार दिया, आप नहीं खेल पाओगे वो। और अगर आपने हेड मार दिया तो एनिमी जिंदा ही नहीं हो पाएगा और वो वहाँ के वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज ड्रैग करके रहना है, और आप जितना अच्छा मतलब ड्रैग करोगे और जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका गेम प्ले और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक और देना चाहता हूँ, मतलब आपको ज़्यादातर गेम में अगर कोई लॉन्ग गन यानी जैसे वुड पैकर, ड्रैगन ऑफ डेजर्ट ईगल, ऐसी और भी एक जिसमें सिर्फ एक ही गोली छूटती है एक बार में, वो गन आप रखोगे ना तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि हेडशॉट लगे। आप शॉटगन से भी हेडशॉट मार सकते हो, शॉटगन से भी, सबके लिए प्रैक्टिस चाहिए बस, सिंपल यही बात है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको हेडशॉट, प्रैक्टिस और ड्रैग, ये सब अपने गेम में इम्प्लाय करना होगा। मैं भी मतलब पहले मेरे भी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे भी हेड नहीं लगते थे, फिर जब मैं कोई भी शॉट पर ड्रैग मारता हूँ ना तो चांस होते हैं कि हेड लग जाए। हेडशॉट लगता ही है, जितना आप अच्छे होते जाओगे इसमें आपके हेड ज़्यादा लगते रहेंगे। और मैंने जैसे हेडशॉट मारना जैसे सीखा है, वही फार्मूला मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपको एक मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके हेडशॉट लगेंगे अगर आपने ऑलवेज ड्रैग करते रहे तो। आपको ड्रैग करते रहना है, और सिंपल ड्रैग है, एक तो रोटेशन ड्रैग होता है, वो ऐसे घुमा के एनिमी से पहले थोड़ा दूर रखो फिर सीधा रोटेट कर दो अपने एम बटन को। और एक और चीज़ मैं आपको बोल आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी और आपके मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो इस पर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि आप ड्रैग करते रहो, और मतलब जो भी एक ही बार में एक गोली छोड़ती है ना वो गन लिया करो, क्योंकि वो गन होते हैं उनसे ज़्यादा ड्रैग। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि AK, A1, A4 ये सबसे भी ड्रैग नहीं लगते, लगते सब गन से लगते, आपको सिर्फ ड्रैग करना आना चाहिए। जितना आप अच्छा ड्रैग कर पाओगे उतना ही अच्छा आपको हेडशॉट मार देखने को मिलेगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि ड्रैग करता हूँ मैं और मेरे लगते हैं हेडशॉट, और वो भी एकदम ओपी से हेडशॉट लगते। अभी जो आप हमारी क्लिप देख रहे हो, अब हम इसमें आपको दिखा रहे मेरे, आप एम बटन को देख लीजिए, ये देखो ड्रैग करता रहूँगा
मतलब चाहे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप मरोगे नहीं, मतलब इसको एम्प्लाई करने के बाद आपके हेडशॉट ही हेडशॉट लगेंगे, एक बॉडी शॉट भी नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करते रहना है तभी आपको हेडशॉट लगेंगे, और आपको इस चैनल इस वीडियो को लाइक भी करना है। आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा हेडशॉट अच्छे होंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपने बस ड्रैग कर दिया और हेडशॉट लग गया, ऐसा भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, और एम जो होता है ना, एम वो एनिमी के बॉडी पर मतलब चेस्ट तक होना चाहिए।